तो यार आप सभी का स्वागत है डेज गॉन के पार्ट नंबर आई थिंक 23 के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम अभी हमारा मेन फोकस रहेगा बेल्टनैप के अंदर, और बेल्टनैप का जो भी सारी चीज़ें हम वो काफ़ी करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ढूंढ के रखी हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इस एरिया में, यहाँ पे हमें दो टूरिज्म कलेक्टेबल्स मिलेंगे, वो करेंगे। फिर यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक नीरो चेक पॉइंट मिलेगा, वो करेंगे। यहाँ से हम एक्चुअली चलेंगे मैरियन फोक्स के अंदर। इस एरिया में लीसा का घर भी था यादव, और लीसा के घर के पास दो कैरेक्टर कलेक्टेबल्स हैं, वो करेंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ टूरिज़्म कलेक्टेबल्स भी मिलेंगे, यहाँ से करते उन सबको लेते हुए चलेंगे, और फिर फाइनली एंड करेंगे अपनी जर्नी यहाँ पे, जहाँ पे हम आई रिमेंबर स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिकली सैरा के मेमोरियल स्टोन पे जो हमारे साइड मिशन है वो करके। ठीक है, सो हमारा पूरा प्रोसीजर ऐसे रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। चलते हैं फिर जल्दी से। इस वीडियो में बैकनैप करने के बाद अगली वीडियो के अंदर हम लॉस्ट लेक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो अभी हम मैं अभी असल में क्या कहते हैं सैरा वाली स्टोरी लाइन अभी ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट एरिया का आगे अनलॉक हो सकता है अब, और अगर वो अनलॉक हुआ तो हम यहाँ पे कुछ टाइम तक नहीं आ पाएंगे अगर मैं सही हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा सा भी हिचकिचाहट है मुझे अभी हाथ कहती शुरू करने में। उससे पहले मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके कम्प्लीट करना चाहता हूँ। फिर एक ऐसा होगा कि एनकैपमेंट जॉब्स के साथ साथ ही पूरा मैप कम्प्लीट करते चलेंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान से चलना पड़ता है। बच गए, बच गए, ठीक है, चलो इतनी दूर भी जगह नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे टोटल दो कलेक्टेबल्स मिलेंगे हमें, सौ ब्लेड्स। ये क्रेजी विलेज है क्या पूरी जगह? हाँ ये क्रेजी विलेज है, यहाँ पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। ये क्या है? Okay. हेल्थ कॉकटेल, ये मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये हमसे छूट गया। यहाँ पे कुछ है, फ्रंटियर मॉडल सेफ कॉम्बिनेशन, हाँ तो यही कही ये रहा फ्रंटियर मॉडल। कहाँ पर है यही कहीं दिखेगा, ये फ्रंटियर मॉडल ब्रोशर्स मोर। मुझे लगा था यहाँ पे हमें मिलेगा वो, शायद नहीं। एक कलेक्टेबल मिल चुका है हमें, दूसरा भी बचा है बस। अच्छा है, हमें कुछ चीज़ें और दिख रही है, लेकिन इसका कोड कैसे सॉल्व होगा ये मुझे आइडिया नहीं है। बाय चांस यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाए, शायद यहाँ पे मिलेगी। जनरली बड़ा बड़ा ये रहा, एक और सेफ कॉम्बिनेशन है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ ये चीज, मुझे सही में नहीं पता था ऐसा कुछ है। उप्स। Raiders. ठीक है,
मुझे लग रहा है सेफ कॉम्बिनेशन की वजह से ही हुआ जो हुआ, ये यहाँ पर अभी को नहीं। लेते हुए चलो सब कुछ, और भी है हमारे हाथ में बंदूक है भाई साहब, आप ऐसे कैसे दौड़ रहे हो? मेरे ख्याल से अभी यहाँ कुछ नहीं है, चलते हैं। सेफ कॉम्बिनेशन क्या है क्या ये? अगर मैं सही हूँ यहाँ पे कहीं कुछ है, ये अट्रैक्टर है ये। ओ ये अट्रैक्टर है, जॉम्बी अट्रैक्टर है, इससे जॉम्बीज काफी ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। वैसे फन था ये चीज़, मुझे नहीं पता था कि मैंने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी पहली बार में, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, सो इस जगह पे अब और कुछ नहीं है, अब हमें जाना है इस जगह पे, चलते फिर। हाथ क्या थी एक बार, फ्यूल भी कर लेते फुल। बढ़िया चलते हैं। कुछ जगह मेरे ख्याल से हम काफी अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे गेम पे, और काफी से मेन चीजों के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज भी अच्छी खासी कर रहे हैं हम। उप्स, ये असल में इसको हम वो कहते हैं, मैं एक्चुअली इसको मारना चाहूंगा। There we go. Good night. Bounty. हाँ ये असल में एक जॉम्बी वुल्फ है। Come on, come on, come on. Down you go. गया रनाइयर, ये देखो जॉम्बी वुल्फ है जिसका नाम बेसिकली रनाइयर कहेंगे हम, रनर्स कहेंगे हम इनको। तो ये हमारे बाइक से भी तेज दौड़ते हैं, और ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जब ये बाइक हमें बाइक चलाते हुए हमें इनको शूट करना होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। चलते हैं फिर। आ जाओ, तभी रनर्स काफी एक्चुअली काफी रेयर कहूंगा मैं उनको, इस वजह से मैंने सोचा कि मारते हुए चलते हैं। ठीक है आ गए हम। और यहाँ से यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक एक्सपर्ट अन क्यों है? अच्छा ठीक है, बॉडी थी वो। चलते फिर करते हैं नीरो चेक पॉइंट कंप्लीट। ये क्या यहाँ पे रिपर्स है क्या? चलो चलो। उप्स, उप्स, उप्स।
पहले एक बार मेडिकल बॉन्डेज बैंडेज ये क्या मैट किट्स ध्यान से बढ़िया गया कि नहीं भाई पांच गोलियां ये क्या उप्स कहां पर है show you the path oops oops no the last is alive yes the pentagon ye kya koi zinda hai abhi गया मुझे नहीं पता था यहाँ रिपर्स मिलेंगे हमें वो और भी है गया प्रॉक्सिमिटी बॉम्ब्स क्राफ्टेबल रेसिपी ठीक है बैंडेजेस ऊपर चलते हैं अगर मैं सही हूँ तो हमें शायद से यहाँ पे एक सामान भी मिलेगा नहीं यहाँ नहीं मिलेगा एक सेकंड मैं ध्यान से चेक नहीं किया यहाँ पे एक और है कितने सारे हैं यहाँ पे वो वाला हो चुका वहां पे करना है अभी हमें उसके अलावा और कोई वहां पॉसिबल है और हो मेरे ख्याल से जैसे ही हम जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे और सारे बंदे आ जाएंगे तो ये भी ध्यान से करना पड़ेगा एप का अटैक मिला एक और नाइस यहाँ पे दो यूनिट्स हैं शायद दो जनरेटर्स वगैरह कुछ सीन होगा स्क्रैप स्पार्क इग्नाइटर तो फिर जनरेटर्स का क्या सीन है यहाँ पे बियर बॉटल्स पार्किंग नाइटर्स देख के तो लग रहा है शायद यहाँ पे जनरेटर होगा देखना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे अभी यहाँ पे क्या है स्मॉल पाइप और बियर बॉटल्स कुछ जॉम्बीज वगैरह भी दिख रहे हैं और मुझे कुछ और स्पीकर्स भी दिख रहे हैं भाई बहुत सारे स्पीकर्स हैं यहाँ पे नॉन स्टॉप स्पीकर्स हैं वहाँ पे भी और हैं देखो वहाँ पे भी छुपा रखे हैं
Oops. गया। कुछ को मुझे काफी पसंद आया। ठीक है, अब मेनली ढूंढना है जनरेटर कहां पर है। Power's off. Figures. वहां पे क्या एरिया है? गया, सप्रेसर खत्म हो गया हमारा। कोई नहीं, यहां से बाय चांस दिख जाए हमें जनरेटर, वो रहा। अब मैंने अपना फ्यूल कैन का छोड़ दिया। स्टेरिलाइजर्स, बैंडेज। This son of a bitch, you better get away from my bike. Oops. क्या कर रहा था बंदा? Won't be needing this. नहीं 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 वापस। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ है। रैक्स। पहले जनरेटर फुल करते हैं, फिर इस एरिया में भी आते हैं। दिमाग खराब हो गया, आज तो कुछ ज्यादा ही एनिमीज मिल रहे हैं हमें। सिर्फ एक बियर मीट मिला है इसकी वजह से बस। ठीक है, जनरेटर यहीं कहीं देखा था मैंने, ये रहा। That's it.
लेकिन अभी भी मैं ये नहीं करूँगा कुछ, अभी मैं पहले पीछे जाएंगे और देखेंगे वहाँ क्या क्या सीन है। पहले ही ख़त्म कर दो परेशान करने से पहले, नहीं अभी पहले अंदर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है फिर देखते हैं अब यहाँ का सीन क्या है, चालू करते हैं। एक सेकेंड रुको रुको रुको, एमओ 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 कुछ होगा। बियर्स के लिए हमें कुछ ना कुछ एक बढ़िया ढूंढना पड़ेगा। ठीक है अब हम चालू कर सकते हैं। आ जाओ, कहाँ कहाँ पे छुपा रखा है इन्होंने लाउड स्पीकर बास्टर्ड। अब क्या करना है? दो जनरेटर्स है क्या? पॉसिबल है। स्क्रैप मेड किट्स, भाई साहब थोड़ी इंडिकेशन दो कि करना क्या है। आप अच्छा यहाँ छोड़ा था मैंने, अगर पावर स्टोर करनी है ये रही पावर लाइंस, वो वाला बस्टेड है। एक सेकंड शायद हम उसको सही कर सकते हैं स्क्रैप का इस्तेमाल करके, शायद हाँ ये करना है हमें। Here we go. We got green lights. Green light. Damn it. That's gonna bring them all down on me. कहाँ पर है? उस साइड है। चलो। वो रहा। That's all of them. गया। Yeah. गया। अरे यार उप्स, उप्स, उप्स। हेल्थ हेल्थ हेल्थ। एमओ की रिक्वायरमेंट है हमें, काफी चीजों की रिक्वायरमेंट है वैसे तो। अब चलते हैं, पहले शायद इस वाले पे चलते हैं, नहीं या फिर इस वाले पे, इस वाले पे। There really better be something in here with all this trouble. सही में मुझे भी यही कहना है। Okay, here we go. कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा। ठीक है अब चलते हैं सामने वाले पे। ये क्या? जिसको भी आना आता रहेगा बाद में। अगर मैं अभी स्टैट्स देखूं मैं सिर्फ अपने, ठीक है स्टैमिना काफी बढ़ गया, स्टैमिना फुल कर दे सीधा। और कुछ अभी मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट दिख नहीं रही।
Nero had all the good shit. ये बात तो है. Ow. Feeling stronger already. Another Nero micro recorder. No. Hey, I'm here. Not sure I want all this. About goddamn time. Jesus, I'm tired. Did I miss anything? Yeah, you wouldn't believe it. This morning, we had a goddamn pilgrimage come through. What? What are you talking about? A fucking cult. Half-naked, shaved heads. Some of them cut up pretty bad. Driving a whole convoy of hippy-dippy vans and trucks. Oh, shit. I've seen these clowns. Were they chanting a bunch of shit like, Get low! Be free! Follow the path! Shit like that. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, that's them. They call themselves R.I.P. Rest in peace. They got some messiah who thinks all this shit is part of some plan. Where are they headed? South. Beyond that, I don't know and don't care. All right, man. Have a good one. Okay. What the hell's he recording? ठीक है, अब अगर मैप में देखें हम, तो वो हमारे बस 4 एनकैपमेंट जॉब्स बची हैं, 7 होर्ड्स बचे हैं, 2 नीरो इंटेल्स बचे हैं, 2 कैरेक्टर कलेक्टेबल्स, 5 टूरिज्म कलेक्टेबल्स, 1 हर्बोलॉजी. नेक्स्ट लोकेशन कॉम्बैट में क्यों है अभी हम, इसकी वजह से. आ जाओ आ जाओ, ब्लीचर्स भी हैं यहाँ पर. उतर गया बेचारा फाइनली. ये भी गया. आप सीधे टकर के पास चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया यहाँ पे. इसके आगे अभी हमें अलाउड ही नहीं है जाना, क्योंकि ये नेक्स्ट एरिया जब आएगा तभी हम जा सकते हैं यहाँ पे. अब हमें जाना है बाइक के पास. ठीक है, अब हम चलेंगे सीधा टकर के पास. फास्ट ट्रैवल, उसका तो मेन टाइम जो हमारा लगेगा मैरियन फॉक्स में लगेगा बस, और एक सैरा के पास 10 मिनट हम एलोकेट करके रखेंगे. तो चलते हैं, सब कुछ एक बार अपग्रेड वगैरह करते हैं, वो सब करते हैं. I know him. Let him in. स्टोरी लाइंस हटाया इसको. ठीक है. What can I get for you? Mechanic, refuel. Hey, keeping your hands clean. Repair. Okay. हाथ क्या थी अपना merchant पूरा. See you around. Al guy. Good to see you, Deacon. What? Hey, Al guy. और कुछ अभी यहाँ से नहीं खरीद सकते. Supplies, ammo. Good choice. Pistol ammo. Yeah, suppressors. और कुछ नहीं अभी. Okay, sure. बाकी पूरा लिटरली मैक्स आउट कर रखा है हमने सब कुछ. हाथ क्या थी, इसको अटैच करते हैं. Anything else? यहाँ पे और कुछ नहीं मिलने वाला हमें. एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे असल में हमें एक होटल ढूंढना है जहाँ पे हमें एक और टूरिज्म कलेक्टेबल मिलेगा. एग्जैक्टली कहाँ पे वो ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा हमें, यहाँ पे चलते हैं फिर.
टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि वेस्ट करने के लिए। अभी हमारे पास देखा जाए काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर लूँगा इस वीडियो के एंड तक होते होते। ओके इसके साथ यहाँ पहुँच गए हम। एटलीस्ट सारे टूरिज्म कलेक्टेबल्स और कलेक्टर कलेक्टेबल्स कंप्लीट कर दूंगा मैं। चलो ये क्यों भाई कूदा ऐसे ही, मजा आ रहा है। ये जो होटल है मैं सोच रहा था यहाँ कुछ ना कुछ होगा, यहाँ इन्फेस्टेशन भी थी पहले। बिना आवाज के रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम चारों से घिरे हुए हैं। सैलोमे हॉट स्प्रिंग स्केच बुक, इसके साथ एक और हमारा वो होता है कंप्लीट टूरिज्म कलेक्टेबल। अब हमें जाना है यहाँ पे मैरिन फोक्स टनल नियर चेक पॉइंट, यहाँ से हम चलते हुए चलेंगे और सीधे सहरा वाले पे कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा भी और कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है तो जाना है हमें वापस अपनी बाइक के पास। ऊपर एक बार चेक करें क्या रिसोर्सेज वगैरह क्या क्या है यहाँ पे। लगता तो नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ धमाकेदार रिसोर्सेज हैं। यहाँ कुछ है रैग है। क्विक सेफ ठीक है। चलो इधर कॉम्बैट में हम क्यों है। निकलो निकलो निकलो। मैं क्या कर रहा हूँ। निकल गए अब नहीं। अब हम कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं। ठीक है सो पहले फ्यूल हमेशा की तरह 56% ही बचा है। फ्यूल की लोकेशन कहाँ होगी। ठीक है उसी के साथ हमारे पास हमें 3 स्क्रैप और भी चाहिए वो भी करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करते हुए चलेंगे। अब मैन फोक्स जाना है और यहाँ पे होगा जो जो होगा। पहली लोकेशन यहाँ पे चलते हैं। एटलीस्ट वहाँ पे कोई इन्फेस्टेशन नहीं है तो भर भर के ज़ॉम्बीज नहीं मिलेंगे और मेरे ख्याल से वहाँ कोई होर्ड भी नहीं है। नाइस चलो आओ
Where? और कोई? ये क्या? हाथ क्या थे? इसको भी रिपेयर कर लेते हैं। प्लस वन स्क्रैप। अच्छा ये तो हो चुका, हंग्री जिम वाला हम कर चुके हैं। यहाँ पे मेन्यू था एक, याद है मुझे। ठीक है, एक सेकेंड रुको। अगली लोकेशन जो हमें जानी है वो यहाँ कही है। यहाँ पे हमें एक बुक स्टोर मिलेगा, उसके अंदर है। चलो चेक करते हुए चलेंगे, बुक स्टोर यहीं कहीं मिलेगा। ये तो होटल है। शायद ये कहीं। I'm not going in there. अच्छा हाँ, इस चर्च के अंदर असल में इसने बोला था कि सैर और इसकी शादी हुई थी, तो मेरे ख्याल से आई रिमेम्बर स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। Come back later, burn out these nests. ठीक है, सो अगली लोकेशन। बुक स्टोर एक सेकंड को कहाँ पर है? लोकेशन है ये वाली, ये वाला घर। ये रैक, मैन फोक्स बम्पर स्टिकर्स। फिर अगला ये रहा पोस्ट कार्ड्स। बढ़िया, स्पार्क इग्नाइटर्स। यहाँ पे एक एक्चुअली इन्फेस्टेशन भी थी जो हमने कंप्लीट की थी बाद में, पहले सॉरी। इसके साथ दो और कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो अगली जो लोकेशन है वो इधर गई है, तो इधर हमें कुछ नहीं करना अभी। हमें बेसिकली एक ऐसा घर ढूंढना है, लीसा का पुराना घर ढूंढना है हमें अब, जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं दिखता कैसा है। लीसा के घर में असल में हमने कुछ चीज़ें भुला दी थी। सो दो करेक्टर कलेक्टेबल्स जो हैं वो लीसा के घर के अंदर है। शायद ये वाला घर है यहाँ पे कहीं। ये रे, ये रहा घर। चलते ऊपर। यहाँ पे हम एक और करेक्टर कलेक्टेबल मिलेगा यहाँ पे, एक यहाँ नीचे। ये रहा। No word from Lisa's mom. Wonder what happened to her folks. ठीक है, सो ये लीसा के लिए नोट था ये वाला। उसके बाद हमें यहाँ से यही पास में ही एक और नोट मिलेगा हमें। चलो लोकेशन है
यहीं से कहीं पर जाना है, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सो ये लीसा का घर है, तो फिर मे बी एक येलो हाउस हिल के ऊपर यहाँ कहीं, वो असल में टकर का घर है जो अभी हम ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे। सो टकर का घर है जिसके अंदर उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया था, तो उसका नोट है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक सेकंड। अच्छा वो सामने दिख गया, दिख गया घर, दिख गया वो रहा। स्क्रैप, स्क्रैप फाइनली दोबारा से फुल हो गया हमारा। ये रहा घर, ये टकर का घर है। तभी हमने कहा था ना लीसा और टकर क्या कहते हैं आसपास ही रहते थे, ये लिटरली सामने ही रहते थे। और यहाँ पे ये रहा। Guess that would have messed with their heads some. ठीक है, अब हमें बाइक ढूंढनी है और आगे चलना है। लोकेशन ये वाली है, ये जो घर है इधर मिलेगा मैंने नेक्स्ट टूरिज्म कलेक्टेबल। अब देखा जाए पूरे मैप के अंदर चार एनकैपमेंट जॉब्स बची हैं, 7 होर्ड्स, 2 नीरो इंटेल्स, 2 टूरिज्म कलेक्टेबल और 1 हर्बोलॉजी। बाइक के पास चलते हैं। तो बस जल्दी से 2 कलेक्टेबल्स लेंगे जो टूरिज्म कलेक्टेबल्स हैं, उसके बाद सीधा के सीधा पहुंचेंगे लीसा के मेमोरियल, लीसा नहीं सॉरी सैरा के मेमोरियल स्टोन पे। उसके अलावा अगर हम देखें 2 जो नीरो इंटेल्स हैं वो हम एनकैंपमेंट जॉब्स के साथ ही करते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक जगहों पर जाना पड़ेगा हमें। वैसे मैं चेक कर सकता हूँ अगर आस पास ही हुआ दूसरा नीरो इंटेल तो वो भी कम्प्लीट कर सकते हैं। चेक करूँ क्या, करता हूँ एक सेकेंड, या फिर रहने दो, उसके अंदर इतने दूर भी जगह नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है बोरा? ठीक है चलते हैं, अब वहाँ पर ही है। कुछ जगह बहुत बहुत मेहनत लगती है गेम के अंदर, किसी मैप को अच्छे से डिज़ाइन करने में बहुत मेहनत लगती है। अब ये सोचो ये नीचे का टेक्सचर तक, उप्स क्या हुआ, कहाँ पर है? भाई डरा क्यों रहे हो? शायद यहाँ कहीं, ऐसी वैंस में एक्चुअली लोग रहते हैं, कैंपिंग वगैरह की जगह ये मोटर होम्स भी काफी पॉपुलर कहेंगे हम इनको। उसके अलावा शायद यहाँ पे है, उप्स देख क्या,
no more ambush drifters for you, huh? गया बढ़िया ठीक है। अब एक सेकेंड रुको, देखता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पे नहीं है, हमने थोड़े से गड़बड़ कर दी। यहाँ पे है, चलते हैं। पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा ये जो हमने एम्बुश कैंप मारा, बाय बाय। रैक्स क्विक सेव, चलते हैं। थ्री फिंगर जैक रेस्टोरेशन एरिया, रिक्रिएशन एरिया, ये रहा साइन। ये साइन एक कलेक्टिव वाला अगर मैं सही हूं तो। ये देखो फायर डेंजर टुडे, कीप ओरेगन ग्रीन। ठीक है नेक्स्ट लोकेशन। है यहाँ कहीं, लेकिन ये हम शायद कर चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलते हैं फिर। ये मेरे ख्याल से फाइनल, मैं इसको टूरिज्म कलेक्टेबल कहूँगा बैक स्नैप के एरिया के। चलो चलो रुको एक सेकेंड, मैं शायद यहाँ कुछ देखा था बढ़िया। नहीं मुझे लगा कि फाइनल हर्बोलॉजी भी मिल जाएगी हमें, लेकिन नहीं मिले। कोई बात नहीं, बस ये करते ही हम सीधे सायरा के पास जाएंगे और वहाँ बातचीत करेंगे। चांसेस है शायद सारा बच जाए, शायद। ठीक है फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ क्या मिलना चाहिए हमें फाइनल कलेक्टेबल। ठीक है सो रिसोर्सेस वगैरह भी देखते हैं यहाँ पे हाथ की आती है। Spark starters, ammo भी ले ही लेते हैं। नहीं ammo नहीं है यहाँ पे। ठीक है beers, wear, black beer, awareness poster. So back map पे हमें काफी beers मिल रहे हैं अगर याद हो तो, स्पेशली मैरिन फोक्स वगैरह एरिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी किया था हमने, हमें यहाँ पे भी एक बियर मिला था। तो बेसिकली बैक नैप में भरे पड़े बियर्स, ये उनकी ही नेचुरल हैबिटेट है बियर्स की, ब्लैक बियर्स की। तो इस वजह से यहाँ पे कॉमन है ब्लैक बियर्स। दूसरी एरियाज में इस वजह से हमें अभी तक बियर्स नहीं मिले लड़ाई करने के लिए कुछ भी, लेकिन ब्लैक बियर्स बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। साइड मिशन, उसके अलावा आप देखा जाए इस एरिया में पूरा 4 एनकैपमेंट जॉब्स, 7 होर्ड्स, 2 नीरो एंड इंटेल्स
और एक हर्बोलॉजी, बस इतना बचा है, बाकी पूरा हम कर चुके हैं। 76% ब्लैक नैप, 74% कैस्केड। नाइस। अरे यार मुझे चेक कर लेना चाहिए था। यहाँ पे एक न्यूरो इंटेल है, यहाँ पे हम ऑलरेडी आ चुके थे। दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पे हम बेसिकली इस वाले छत के ऊपर था। देखते अगर टाइम मिला तो मैं कर ही लूँगा हाथ कहते इनको भी। चलो वो डिपेंड उस पर करता है कि कितनी देर लगेगी हमें इस वाले मिशन के अंदर। जल्दी से पहुँचते हैं। यहाँ पे खोड भी है तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा जो करना है, लेकिन दिन हो रहा है तो अभी ज़्यादा परेशान करेंगे नहीं खोड। उप्स। ये रहा। पहुँच गए। बढ़िया। हो देखते हैं कि बस एक बातचीत होगी या फिर कोई फ्लैशबैक्स भी होंगे। Hey, me again. So, I took Boozer into the Lost Lake camp, and I know, I told you I was never going back there with Iron Mike threatening to break my neck and all, but didn't have a choice. See, Boozer was gonna die, and, well, he still didn't want to go. Hell, I didn't want to go, but, like I said, didn't have a choice. Neither of us did, so it didn't matter. He lost the arm anyway, and now he's stuck. I mean, we're stuck. Goddamn schizo. You know, I can't remember if I told you about this clown, but he's the kind of asshole that's glad all this shit went down. He says he was gangbanging in Sacramento, Fresno, I don't remember, but he says he's not from around here, and he's not. Claims he was dealing drugs and guns from California to Oregon, and then everything went to hell. And you know what? I think he's full of shit. To me, he kind of looks like a frat boy, like he was on the lacrosse team peddling sodas at a mini mart. Or no, man, he would have had a cushy job at his old man's accounting firm, making copies and getting everyone their morning coffee. You know, making more in a day than I've ever made in a week. You know, it's this game the Boozer and I used to play before we rode out of Lost Lake for good. We used to call it "Who You Were." You know, we'd look at someone, we'd try to guess who they were before the shit went down. You know, I met a few drug addicts, a lot of ex-cons, no accountants. So that makes sense if you think about it. First couple of weeks after the shit went down, I mean, Jesus, that was a freak show. There's no way some accountant or pencil pusher lived through that shit. So I don't know, maybe it's because I was telling the truth. I'm not sorry that you missed it. I'm not. Anyway, Boozer and I wanted to head north and get away from all this shit, but that ain't happening anytime soon, or happening ever. Hey, look on the bright side. Looks like you're stuck with me. Okay, I'll stop by later. See you. ठीक है, ये हो गया। आप बेसिकली क्योंकि यह बूजर की हाथ नहीं है एक, तो इसका मतलब ये है वो स्किल पॉइंट। ठीक है, सर्वाइवल पे ही अभी फोकस करेंगे अपना। मे बी ये वाला बेटर है। मेरे ख्याल से अभी के लिए ये काफ़ी काम आ सकता है अभी के लिए। बाकी चीज़ों को अभी फोकस नहीं करेंगे। चलो मेरे ख्याल से हम नीरो इंटर ले सकते हैं अभी भी। शायद फिर यहाँ से इधर जल्दी से रिफ्यूल करते हैं। सही में
50% ही बची थी बस. डन. हाथ के जल्दी से चलते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट लोकेशन है यहाँ पे. चलते हैं. ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से पहुँच सकते हैं. बात यह है दूसरा वाला मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्रेजी विलीज वाला. बढ़िया. छोड़ो. तो यहाँ से इधर. ओप्स ओप्स ओप्स. यहाँ से. और यहाँ ऊपर. यहाँ जो ग्रेव है यहाँ कहीं मिलेगा रिकॉर्डर. इस साइड शायद वो रहा. यहाँ नहीं तो यहाँ. Another micro recorder. One of these is going to explain what the hell you guys are doing out here. I am completing the inspection at Corpse Disposal Site 12 Alpha, and the work has been completed to code. Once eminent domain has been completed over the Pan-Pacific Railroad, and trains can be rerouted through Nero Depot Site 27, we can transport cargo along the old wagon road with far greater efficiency. Side note, we'll need to have a director pay a visit to the mayor of the shithole town below us, Marion Bortz, or whatever the hell it is. According to our foreman, he basically led a mob up here yesterday, threatened our personnel, said he was going to tar and feather them, whatever that means. Off the record, if he knew what was coming, he wouldn't be so high and mighty. Within a week after the first case of rabies hit, he'll be out here begging us to dig faster. Oh, sure. After. When the hordes started coming in, maybe not so much. ठीक है. अब अगली वीडियो के अंदर सबसे पहले यहाँ पे जो नीरो इंटेल है वो कंप्लीट करेंगे. उससे हमारी सारी नीरो इंटेल भी कंप्लीट हो जाएगी इस पूरे एरिया की. अगली वीडियो के अंदर हम इस वाले एरिया के अंदर भी जो टोटल एक ये रिसर्च साइट बची है वो करेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल के. उसके अलावा जो सारे नीरो इंटेल्स है वो करेंगे, और फिर हाथ क्या थी ये वाला करेंगे बाउंटी हंटर. तो यार तब तक के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता हूँ अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें ज़रूर चेकआउट करना. और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कंटेंट बढ़िया है, उसका जगह शेयर करो और आग की तरफ फैला दो. तब तक के लिए इतना ही. सायोनारा.